मुझे नहीं आया तो अफसोस है, मेरी कलाई खाली खाली है। कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ना यही वाला डिज़ाइन काफ़ी पसंद है, ये सूट भी करता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप? तो भाई जान, आज है जुम्मे का दिन, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। सिर्फ मुबारक नहीं, अल्लाह का वास्ता, नहा भी लेना आज तो, जुम्मा पढ़ भी लेना। तो यार अभी बज रहे हैं 9, मैं उठा था सुबह 7 बजे, इससे मैं हूँ थोड़ा फ्रेश भी हूँ, क्योंकि छोटे बहन भाई को छुट्टी थी स्कूल से, तो उनको छोड़ने नहीं गया। तो उठ के पहले मैं नहाया हूँ, उसके बाद मैंने कपड़े बदले हैं, फिर फ़ोन थोड़ा सा चार्ज कर लिया है। तो अब नीचे चलते हैं, जाके नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद अब हम चलते हैं सीधा शॉप पे। आज मैंने अकेले ने नहीं जाना, मेरे साथ मेरा बड़ा भाई भी जाएगा, तो अब चलते हैं उसके पास, फिर उसको लेके पहुंचते हैं दुकान पे। मैं दुकान पे जाने लगा था, नीचे आया हूँ, मुझे रात को भी याद आया, रात को मेरे से मेरी बाइक की चाबी गुम हो गई थी। मेरी बाइक ही नहीं, मेरी राम प्यारी गायब हो गई। अब अब्दुलरहमान लाला जी से मोटरसाइकिल पकड़ते हैं, इनके साथ चलते हैं दुकान पे। लाला जी को भी उनकी मोटरसाइकिल की चाबी नहीं मिल रही है, एक बंदे की चाबी घूम जाए फिर सबकी ऑटोमेटिकली घूम जाती, क्योंकि भजन पेट्रोल हो गया 270 रुपये लीटर, हर बंदे के बारे में पेट्रोल नहीं है। वो कहते हैं तू काट मुफ्ता लगाए मुफ्ता, वो भी मेरे से काका नशे ही लग रहे। चलो देखते हैं किसकी मोटरसाइकिल मुचनी है, मोटरसाइकिल मुझते हैं, चलते हैं दुकान पे। तो मेरी तो चाबी मिल नहीं रही थी, लाला जी ने बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल निकाली है, नाल ही लाले बैग ने पेट्रोल लिया, फौरन पंप पे आ गए। बंदे रिच मैन बेस्ट मैन, अभी मोटरसाइकिल निकाली है, पंप पे आने की नौबत ही नहीं पड़ी। चलते हैं लाला जी का थोड़ा खर्चा कराते हैं, दुकान पर पहुँचते हैं वहाँ जाकर। देखो जब हम आए थे अपनी बाइक पे, हम बाइक लगा के आए थे पार्किंग में, भाई जी अपनी नहीं ना आएगी, ऐसे ही ला रहे ने। मैंने आपको बताया था कोई इशारा गायब हो जाता है, कोई सीट, कोई लाइट, क्या सोच है रे तेरी। ये हमें अपनी बाइक की केयर थी ना, माँ वो स्टैंड में लगा के आए थे प्लाजे के अंदर, भाई ने इतनी लाती है, अभी जाते हुए आपको दिखाऊंगा इधर कितना रश हो जाता है। चलते हैं अंदर, टाइम हो गया जुम्मे का, जिस मस्जिद में मैंने पिछले जुम्मे जुम्मा पढ़ा था आज वहाँ पढ़ लिया लाला जी ने, क्योंकि उधर हो जाता है 1:15 बजे, वहाँ जुम्मा थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ हमारे जो प्लाजे के ऊपर मस्जिद है, इधर होता है 2:15 बजे। तो उसने मुझे कहा कि यार तू ऊपर पढ़ ली, मैं पीछे पढ़ रहा था, तो वो जुम्मा पढ़ के आ गया, मैं इधर आ गया हूँ जुम्मा पढ़ने, अभी आधा घंटा पढ़ा, तो मैंने कहा ऊपर जाकर थोड़ी सी धूप सेक लें। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब धूप सेक के उसके बाद हम करते हैं वजू। ना 20 मिनट धूप सेकने के बाद वजू मैंने कर ली है, अब चलते हैं मस्जिद। मस्जिद जाके अब 2:05 बजे रह गए हैं, मतलब कि 20 मिनट रह गए हैं जुम्मा शुरू होने में, तो अब जाके हम खुतबा सुनते हैं, फिर उसके बाद नमाज पढ़ते हैं। तो यार जुम्मा तो मैंने पढ़ ली है, तो अब आपने अक्सर देखा होगा मेरे हाथ में एक कड़ा होता है गोल्डन से रंग का। किधर है, किधर है? रात को मुझे एक मुफ्त भरा टकर गया, उसने वो मेरा कड़ा उतरवा लिया, मुझे नहीं आया तो अफसोस है, मेरी कलाई खाली खाली है। कोई बात नहीं, अब चलते हैं पहले जाके वो कड़ा लेते हैं। यार घूम फिर के ये कड़ा मैंने ले ही लिया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डिज़ाइन भी मैंने यही वाला लिया जो मेरा पहले एक लड़के ने उतरवाया, क्योंकि मुझे ना यही वाला डिज़ाइन काफ़ी पसंद है, ये सूट भी करता है। सुबह सुबह आके भाई का ना, सॉरी सुबह नहीं शाम को, लॉस हो गया मेरा, खर्चा पड़ गया मुझे। खैर कोई बात नहीं, ये चाहिए था ले लिया, चलते हैं। यार मैंने अभी कड़ा लिया है, ये पहले मेरी कलाई खाली थी, मैंने आपको दिखाई है, मेरी कलाई भरी हुई है, जैसे लड़कियों के हाथ में गजरे नहीं होते। मेरी हाथ में ये, मेरे हाथ में ये मेरा कड़ा, बुलार आ रहा, कह रहा है ओ मेरे आने से पहले कैब भाई ने इस्तकबाल किया, वह बिरयानी मंगाई हुई है, क्या बात है। तो कैब भाई के साथ बैठ के खाना खाते हैं, फिर इस दूर से ही देख दी जाती, आइया पता नहीं कितना खाते ये। अब इधर खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, फिर खाना खा के चलते हैं, फिर तुम घर चलते हैं, मैं नीचे बैठता हूँ। मैंने भी पता नहीं अभी कहाँ जाना। यार खाना मैंने खा लिया है, कैफ भाई ने भी खा लिया है, तो अब कैफ भाई ने रहना इधर ही, क्योंकि कैफ भाई को इधर काम है,
और मैं निकलने लगा, मुझे रास्ते में दो तीन काम है। ठीक है कैब भाई, फिर अब आप आओ घर, फिर आपसे मिलते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़, अब आपसे जाके मिलते हैं, बाय बाय। तब मैंने ब्रेसलेट लेके मैं कैब की दुकान पे चला गया था, वहाँ जाके मैं खाना शाना खाया कैब के साथ, घंटा आधा घंटा बैठ के गपशप लगाई। उसके बाद उसने मुझे कहा कि यार मैं रात को आऊँगा तो तू चला जा। तो मैंने लाला जी को कहा, लाला जी कहते हैं मैंने भी 8-9 बजे आना है तो तू चला जा। मैं गया था लाला जी के साथ, मेरे पास बाइक नहीं थी, तो मैंने ये बॉस को फ़ोन किया जिनको सिंग पिलाओ जहाँ मर्जी ले जाओ। ये आए हैं अपनी राम प्यारी लेके मुझे लेने। तो हाँ जी कुछ खाना पीना है? ऐसे तो आए हो तुम, मुफ्त में तो जाओगे नहीं, इतने तुम अच्छे। पेट्रोल हो गया 272.7 लीटर। तो जाएंगे क्या खाओगे तो जाओगे जी जनिया। चलो आपको बोतल पिलाते हैं, बोतल पीते हैं, चलते हैं। ये भाई जान को बोतल पिलाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं घर। लो जी मुफ्त बना जी, क्या लेना तुमने? इधर औकात में रेड बुल ले लो, रेड बुल जो चीज की समझ हो वो लो। और कुछ कात में रहना चाहिए बंदे को, पैसे कटवा के आ जाए। लो जी मुझे वहां से रंगमहल से ले गया इसने, ये पटीक डाली बड़े है ना, दे सादा पानी ठंडा भी नहीं, सादा पानी पी पी मर गए ने। ते है कौन सा जूस पी रहे हो? एलपी है फलपी। सिखाया कि नहीं तेन फलपी? लो पटीक पड़ गई मुझे, यही मैं रिक्शे पे आया होता ना इतना, इससे कम मेरा किराया लगा। चुप करके बेटे घर चलो, महंगा पड़ गया मुझे इसके साथ आना, महंगा पड़ गया, घर चलते हैं। तो यार आज मेरी बाइक की चाबी घूमी हुई थी, तो आज मैं गया था लाला जी के साथ उनकी बाइक के ऊपर, तो वहाँ जाके 2-4 काम थे वो भी किए। उसके बाद कैफ कहता कि मैंने आना रात को, तो वो भी आया नहीं, उसने आना था 9 बजे आना था, वो आया नहीं अभी। तो मैंने फिर अपने दोस्त को फ़ोन कर लिया जिसे बोतल पिलाओ जहाँ मर्जी ले जाओ, वो मुझे लेने आ गया। इससे अच्छा मैं रिक्शे में आ जाता, महंगा पड़ गया उसे बुलाना, तो मुझे लेने आ गया, फिर मैं उसके साथ घर आ गया। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, आज के व्लॉग को करते हैं इंतरी ख़त्म। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, बाय बाय। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैन करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।